फ्रेंड आपका स्वागत है कुमारी दिमाग की रसोई में। आज मैं जा रही हूँ आलू के पकोड़े बनाने, जिसने मैं चार आलू ली हूँ जिसको मैं बॉइल कर ली हूँ। अब मैं इसको मिक्स करूँगी। टू ऑनियन को मैंने कट कर लिया है, इसे भी मैं इसमें मिक्स करूँगी। टू ऑनियन के लगभग मैंने इसमें डाला है जिसको मैं मिक्स कर लूँगी अच्छे से। और इसमें मैंने टू स्पून के लगभग एक दो से तीन मिर्चें हैं जिसको मैं इसमें डालूंगी। इसमें बेसन मैं मिलाऊंगी, 100 ग्राम से कम बेसन है। अब इसमें मैं थोड़ा सा मसाले डालूंगी, ऐड करूंगी, तब मैं जा करके इसको पानी डाल करके मिक्स करूंगी। ये सब्ज़ी मसाला है जिसको मैं इसमें ऐड करूंगी। एक स्पून के लगभग सब्ज़ी मसाला डालूंगी। थोड़ी सी मैं चिली डालूंगी, चिली मिर्च पाउडर, क्योंकि मैंने मिर्च पहले से डाल दिया है इसलिए मैं ज़्यादा नहीं डालूंगी। अगर आप तीखा पसंद करते हैं तो ज़्यादा अधिक डाल सकते हैं। इसमें मैं हल्दी पाउडर डालूंगी आधी स्पून के लगभग। उसी के अलावा मैं इसमें मिर्च भी नमक भी डालूंगी, देख सकते हैं छोटी स्पून से एक स्पून के लगभग है। थोड़ा सा और मैं ऐड कर दूँगी नमक, इसमें बिल्कुल एक से डेढ़ चम्मच के लगभग मैंने इसमें ऐड किया है नमक। अब मैं सबको मिक्स करूँगी। आप इसी तरह मिक्स करें। ब्रेकफास्ट के लिए पकौड़ियाँ बहुत ही अच्छी लगती है, अधिक गीला ना करें। देख सकते हैं मैंने इस तरह से मिक्स किया रही हूँ। आप भी अच्छे से मिक्स करें। आप देख सकते हैं इतना ही, ज़्यादा गीला ना करें, इस तरह का आप मिक्स करें। बेसन, आलू, ओनियन, ग्रीन चिली को इस तरह से आप बना सकते हैं। पेड़े की तरह भी बना शेप दे सकते हैं। मैंने राउंड शेप में भी बनाया है और लंबे शेप में भी बनाया। अब मैं इसे तलने जा रही हूँ। इधर मैंने तेल गरम कर लिया है, आप देख सकते हैं इतना ही तेल गरम होना चाहिए। इसको उलट पलट करके अच्छे से देखूँगी। धीमी एंड लो फ्लेम पे ही बनाने से अच्छे रह जाएंगे। आप देख सकते हैं धीरे धीरे ब्राउन होने लगेंगे और हल्के से गुलाबी कलर के होने लगेंगे। और मैं इसे एक मिनट से करेंगे। आप इसी तरह दोनों तरफ से इसको अच्छे से बना सकते हैं। बहुत ही टेस्टी पकौड़े होते हैं। आप देख सकते हैं पकौड़े देखने जितने देखने में अच्छे लगते हैं उतने खाने में बहुत ही टेस्टी होते हैं। आप इसे ब्रेकफास्ट में बना सकते हैं और इंजॉय कर सकते हैं अपने परिवार के साथ, और चाय के साथ, को चाय कॉफ़ी ब्रेड के साथ भी आप इसे इंजॉय कर सकते हैं। बरसात के मौसम में ये बहुत ही टेस्टी और अच्छे लगते हैं खाने में। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।